We're live now so that people can see it. I think we're live now. Yes. So, sir, just before we can start, I would want to like give a little background for myself. So basically, I have this class planning a documentary, and I started teaching. मैंने शुरू तभी किया था मई के शुरू में पढ़ाना जब आपकी आने वाली थी like a film was about to release but because of some issues वो आ नहीं सकी cinemas में. So I would just like to start off with that क्योंकि मेरे सारे बच्चों को भी यही मसला था और मुझे भी because I was really looking forward to it and then it just for some reason didn't come out. So do you have any first thoughts on that? I don't want to be controversial or anything but I was really mad myself कि वो क्यों नहीं आई. So I just want your views कि what do you think about that? नहीं अगेन देखिए आई थिंक एक बेसिक ह्यूमन रिएक्शन तो ऐसी किसी चीज़ का इज आई थिंक यू यू टेंड टू फील वेरी अफेक्टेड बाय इट एंड आई वाज वेरी अफेक्टेड बाय इट आल्सो एज एन आर्टिस्ट कुछ काम आप शायद ऐसे करते हैं जब आपको लगता है कि आपने बहुत नियत से या किसी और इंटेंशन से कोई काम किया बट देन व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन अ कम्प्लीटली रॉन्ग वे और एक unfair attitude jab kisi bhi kaam ki taraf aapko nazar aata hai so I think the first thoughts are very crushing you know they crush you they affect you psychologically creatively uska bahut bura asar hota hai but then having said that I think zindagi ka hissa hoti hain ye sab cheeze aapko realize karna hai ki aap koi bhi kaam void baith ke nahi karte right it is always a product of the environment that is around you the people the geography the culture the mindset so shayad samajhne ki cheez yahi thi us sare mein ki yes it does reflect on a certain kind of mindset and I think I took my time with it to not be just reactionary and not to feel too negative about it it's not easy I'll be honest main koi saint nahi hu main koi bahut zyada सुपर ह्यूमन पावर नहीं रखता उस तरह से कि मैं अपने रिएक्शन को बहुत ज़्यादा दबा सकूं बट आई थिंक सो आई फेल्ट वेरी काइंड ऑफ डिजेक्टेड आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट बिकॉज फिल्म अनलाइक सम अदर मीडियम इट इज़ नॉट जस्ट द एफर्ट ऑफ वन पर्सन यू नो इट इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड सो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी बहुत से और लोगों की बट आई थिंक जहाँ वो सब नेगेटिविटी थी वहाँ नॉट जस्ट सम पीपल फ्रॉम माय इंडस्ट्री माय फ्रेटर्निटी बट पीपल लाइक यू पीपल हु व्यू दैट आर्ट हु कंज्यूम दैट काइंड ऑफ आर्ट उनकी तरफ से जो सपोर्ट आई उससे एक हौसला भी हुआ कि अच्छा जहाँ वो माइंडसेट एग्जिस्ट करता है वहाँ एक माइंडसेट ऐसा भी है अब पता नहीं उनकी पावर मिल के कब इतनी बड़ी होगी मतलब हम सब की कि हम जो बात एक सही नियत से की जाए मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग अच्छा जो जिसके दिल में आए वो उठ के वो बात कह दे और वो किसी का ख्याल ना रखे वो किसी नॉर्म का कल्चरल वैल्यू का ख्याल ना रखे लेकिन जब उस इंटेंशन से काम नहीं किया जाए और फिर उसके साथ इस किस्म की ज्यादती हो तो फिर डेफिनेटली यू नो इट अफेक्ट्स यू So fair enough, but is there like I don't know if I'm totally out of कोई possibility ऐसी होती है कि बंदा Netflix पे release कर सके या YouTube पे My children they've written their scripts and they're like अच्छा ये बड़ी controversial है पता नहीं अब हम ये कभी commission करा भी सकते हैं पाकिस्तान में या नहीं and like you know you guys can use YouTube to you know release a film it doesn't matter but किस हद तक ये बात genuine है because obviously controversy तो हर चीज create करती है once it gets like certain थोड़ी traction उसको मिल जाए तो तो हाउ मच इज दैट पॉसिबल कि आप खुद अपनी फिल्म कमीशन करके उसे ऑनलाइन रिलीज कर सको देखिए पॉसिबिलिटीज का तो वो ये हर चीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं आई विल बी ऑनेस्ट इस वक्त अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी देखते हो मैं उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एक साइड पे कर देता हूं अभी एट द मोमेंट व्हाट आई कैन से इज के फाइनेंशियली वो वायबल उतना नहीं होता राइट हमारे रीजन से जब भी काम इवन ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए लिया जाता है वो उस तरह से उसकी जो आप कह लीजिए कि जो कॉम्पनसेशन या उसकी जो प्राइसिंग होती है वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होती बिकॉज अभी हमारे रीजन से उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं हम एक रीजनल जबान में काम कर रहे होते हैं राइट अगर आप उर्दू में या इवन जिस तरह इंडिया में हिंदी में काम करते हैं उसकी भी स्टिल एक लिमिटेड ऑडियंस मौजूद है एंड ये फिर पंजाबी और उर्दू में थी पाकिस्तान उनके लिए अभी भी एक बहुत छोटा टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और सब्सक्राइबर्स राइट
सो वो तो एक चीज साइड पे होगी, चलो माली नुकसान बंदा बर्दाश्त कर लेता है. अभी तक आपने ट्रेंड देखा होगा कि हमारी फिल्में थिएट्रिकल रिलीज के बाद वहां पे सेकंड रन के लिए जाती हैं. फर्स्ट रन के लिए कभी वहां फिल्म गई नहीं, तो इसलिए मुझे ऑनेस्टली अभी उनके सारे प्रोसेसेस का नहीं पता. कमिंग टू द कंट्रोवर्सी वाला पार्ट, आई थिंक कुछ लफ्ज हैं जो हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि शायद हम एक्टिवली खुद उन टॉपिक्स पे या उन थीम्स पे या इश्यूज पे खुद एक्टिवली कोई बात नहीं करना चाहते. कॉन्ट्रोवर्शियल क्या है कि जो चीज़ आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे, जो चीज़ आपके एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को थोड़ा सा शायद हिलाए जुलाए. इफ दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल देन आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज इट कैन नॉट बी कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है. और उसमें इर्द गिर्द से मुराद हम अपने रवैयों की भी अगर बात करें. सो अगेन आई थिंक कंट्रोवर्सी फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी अगर आप बनाते हैं कि भी मुझे कोई स्कैंडल क्रिएट करना है या मुझे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जिससे मैं सिर्फ वक्ती तौर पे कोई आई बॉल्स अट्रैक्ट कर लूँ, दैट्स बैड. बट अगर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कॉन्ट्रोवर्शियल होता है तो मुझे लगता है कई दफ़ा हम उसको सिर्फ और सिर्फ उससे एक डिस्टेंस बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं कि वी डोंट वॉन्ट टू डील विद इट. इट इज़ लाइक यू नो टकिंग एनी थिंग अंडर द कार्पेट. सो लेकिन अब वही बात है, जो कुछ इस लॉकडाउन से पहले देयर वाज सम मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शन जो हो रही थी, तो सेनेट का जो स्टैंडिंग कमिटी है फॉर ह्यूमन राइट्स, दे वर सपोज टू वॉच द फिल्म टू सी के, बिकॉज अगेन अगर आप फेयर और ड्यू प्रोसेस की बात करते हो तो द फिल्म वेंट थ्रू सेंसर्स. एंड ये नहीं था कि मैंने कहीं कोने में बैठ के कुछ बनाया और फिर मैंने एकदम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. आई फॉलोड से द एग्जिस्टिंग रूल्स या जो भी आप सेंसरशिप कह लो. एंड जो चीज़ आपने भी अपने बच्चों के हवाले से, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बोली कि वो अब अपने आप को अगर खुद सेंसर करना शुरू कर देंगे, दैट इज द बिगेस्ट डैमेज वी कैन डू. तरीका, ढंग, तमीज, फिनेस सीखना बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए, राइट? आपको एक ढंग से बात करनी होती है. आर्ट को बुनियादी तौर पे हम फाइन आर्ट कहते हैं, राइट? मतलब तो जो आर्ट, मतलब खासतौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर आप बात करते हो, पेंटिंग की बात करते हो, तो अगर उसमें वो फाइन चीज नहीं होगी तो फिर हम उसको महज एक एक्सप्रेशन, अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन तो वो नहीं हो सकता ना. तो अब अगर एक फाइन आर्ट के अंदर भी इंसान सिर्फ अपने आप को इतना सेंसर करना शुरू कर दे, और अगर उसके पास उसको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि मैंने ये बात नफासत से कही है, तो फिर तो बहुत जाती है. आई थिंक दैट इज अ बिग ट्रेजेडी देन के, एंड इट हैपेंस एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आल्सो, हर जगह पे होता है, बट दैट्स हाउ इट इज, राइट? So, one thing that I would want to ask was about the creative process. Like, बहुत से बच्चों को ये इशू आ रहा था कि, so one of the tasks that I gave them was to come up with an idea for like making their own documentary films. And since it was a documentary, वो it had to have like a realistic element. It couldn't be like fiction, right? तो उसमें उनको बड़ा problem आया था कि मैंने उनको बड़ी inspirations दी, you know, videos to see, pictures to look at, and न्यूज एंड एवरीथिंग. अच्छा, लेकिन जब आप बैठ के सोच रहे होते हो कि आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस बात पे बनाना है, तो कभी कभी नहीं समझ में आती. तो व्हाट डू यू डू व्हेन यू नो यू हैव टू कम अप विद, यू हैव टू क्यूरेट एन आइडिया फ्रॉम स्क्रैच? लाइक व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस व्हेन यू आर मेकिंग लाइक अ न्यू थिंग दैट यू वांट टू वर्क ऑन? टफ वन. देखिए, वही बात है, एक असाइनमेंट मिलना या किसी काम को आपको असाइन किया जाना या कमीशन करना, उसका प्रोसेस फर्क होता है. I think it's a very natural thing to feel that kind of mental block, to feel that kind of pressure and not be very productive right there and then. But I think what most of the times we do not work on or work towards is making a connection with what we are trying to say. Sometimes sari efforts sirf isliye hoti hai ki hame kuch bahut incredible banana hai. राइट, उसमें कोई बहुत ऐसी आउटस्टैंडिंग एलिमेंट हमने डालनी है जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं. बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट एग्जीक्यूशन के हवाले से या किसी भी और एस्पेक्ट के हवाले से, वो बाद का प्रोसेस होना चाहिए. आई थिंक जस्ट गिविंग योर सेल्फ सफिशेंट टाइम, एंड बाय टाइम आई डू नॉट मीन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज टाइम बाउंड. ये नहीं हो सकता कि अब आप सोचने बैठे हैं तो अब आप एक पेड़ के नीचे या अपने सोफे के ऊपर बैठे हैं और अब आप कहें जी मुझे छोड़ दिया जाए सालों के लिए जब तक मुझे वो बत्ती ऑन नहीं होगी मेरी. नो, देयर आर वेज टू आई थिंक फाइंड फोकस,
to find that connection with what you are saying, you know, to believe in it. It cannot be just say ki mujhe utke bas ek hot topic chal raha hai to main bhi uske upar baat karna shuru kar dun. I think as an author, and by authoring something I mean a filmmaker is also an author. To jab koi author koi cheez apni present karta hai ya banata hai to uska kuch personal uske andar take, uska koi personal ideology, uski koi personal emotion jana bahut zaruri hai in order for it to stand out, not for that pressure ke chahe isko stand out karna hai, but just in order for that to be truthful enough, to be honest enough. So again, agar ek main quick fix bataun, bas mujhe lagta hai ki hum wo connection ya kisi cheez ke andar inspiration dhoondne ke liye hame lagta hai ki hum jaise koi bhi aur kaam karte hain, chalte phirte, bhagte daudte, phone scroll karte, to uske dauran mein wo aa jayega. Wo aise nahi hota. Uske liye I think ek dedicated aapko वक्त निकालना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक से जब आपको कोई काम बहुत शौक से या बहुत क्या कहना चाहिए डेडिकेटेडली करते हो, आप उसकी एक 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 प्रोसेस बनाते हो, आप उसके लिए कोई ना कोई एक तरीका इख्तियार करते हो, राइट? आप मतलब स्मॉल थिंग्स लाइक आप जो बिस्तर पे लेटते हो, आप बिस्तर को झाड़ते हो, आप तकिए को एक सर्टन तरह से रखते हो, एंड देन यू लाई डाउन ऑन इट, एंड there is a way about it. Likewise, when you are ideating on something, it cannot be ki aap bas sirf aur sirf halle gulle ke andar mein koi ekdam epiphany aapko ho jayegi, aapko ek aha moment mil jayega. Whatever it takes, listening to music, meditating, praying, sitting down, disconnecting with people, reading something, I don't know, changing location jahan pe aap baith ke kaam kar rahe ho. Ek bahut interesting si cheez ek dafa मुझे मेहरीन जब्बार ने बताई. मेहरीन जब्बार इज अ फिल्म मेकर, वेरी फेमस फिल्म मेकर, एंड शी अटेंडेड अ वर्कशॉप परहैप्स और लाइक अ क्यू एंड ए सेशन विद एआर रहमान इन न्यूयॉर्क. तो एआर रहमान से किसी ने पूछा कि आपको जब मेंटल ब्लॉक होता है तो आप क्या करते हैं, तो एआर रहमान ने बोला कि मैं रोजा रखता हूँ. सो अगेन आई मीन I don't know if it will work for me, but वही कि वो जब आप एक अपना पर्सनल तरीका खुद इख्तियार करते हो, आपको तय ये जरूर करना है कि काम मेरे लिए इतना अहम है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ एफर्ट, एक्टिव एफर्ट डालनी पड़ेगी. आई डोंट नो, लोग रोजा रख के अपनी उस ब्लॉक को तोड़ते हैं, लोग म्यूजिक सुन के तोड़ते हैं, आई डोंट नो, दे कुड बी वेज, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट अबाउट कि अब हम सब बहुत सारी बातें करेंगे और ग्रुप डिस्कशंस होंगे और उन्हीं में से निकलेगा. नो, इट इज मोर लाइक एन इनवर्ड प्रोसेस एंड यू नीड टू फाइंड इट फ्रॉम विद इन एंड टू बी इंस्पायर्ड. इट कैन नॉट बी जस्ट कि अच्छा एक टॉपिक का पता चल गया, चार चीजें हमने उसके बारे में स्क्रोल कर ली इंटरनेट के ऊपर एंड यू विल फाइंड यू नो लाइक अ ब्रिलियंट आइडिया. नो, यू नीड टू लेट इट सिमर ऑन अ स्लो हीट. See, that's the problem with my children. उन्होंने शुरू में ideas दे दिए and you know अब क्योंकि it's a class, you know it's time bound, तो उनको होता है कि अच्छा नहीं अब ये हमने idea देख लिया, the first thing they see they're like अच्छा हम इसी पे documentary बना रहे हैं. So I think it's understandable like that कि you know उनसे होगा नहीं until it comes. वो भी connection. अब मैं वही सोचता हूँ जब आप कोई कहानी सुनाते हो, कहानी सुनाने के लिए आपको कहानी के साथ familiarity, कहानी की उसके universe की knowledge, how do you expect to like you know go forward without having that? And most of the time wo hi hota hai ki ek topic ke bare mein hamari information sirf hamare paas maujood hoti hai idhar udhar se pakdi hui, but you know real knowledge when you say even if you're reading about it, aap extensively jab kisi cheez ke bare mein research karte ho to koi ek lafz hota hai, koi ek kisi ki kahi hui baat hoti hai, and that gives you that you know like that basic scratch as you said ki from the scratch. The scratch cannot be the topic. The scratch cannot be the theme dictated by or given by someone. It has to be a thought or like a connection which you have to crack on your own mentally, you know. So there's this question, can you please explain the process of getting our scripts commissioned in Pakistan? Like how do people go and reach out to all these producers after they have like a good script written? So is there a way to do that? I think there is. हाँ, one of the weird sort of you know क्या कहना चाहिए grey areas. किसी भी तरह से I think हमें जहाँ लगता है कि बहुत सारा काम अब हो रहा है television में, film में, but unfortunately I think as an industry we have still not evolved to a point जहाँ पे आपको एक new entrant के लिए कोई बहुत
सीधा साधा प्रोसेस मार्क किया गया हो. और अब न्यू एंट्रेंस के अलावा आई थिंक इवन फॉर प्रैक्टिशनर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. समटाइम्स यू आर यू नो what you want to say, perhaps, you know, nobody is interested in commissioning that, right? That is why ab zindagi tamasha ke hawale se log kehte the, maine kaha bhai mujhe kahani sunani thi and I didn't want to wait for anyone to finance or support it, so I just tried to, you know, put whatever I had together and go ahead with it. But having said that, I think abhi bhi aapko thoda sa individual efforts ke upar hi chalna padta. That is the ground reality. And that is contacting people. I'll be honest, I worked with a lot of newcomers, a lot of not so experienced people, not in just the field of writing, but otherwise also. I think there's so many platforms now where you keep sharing your work. You reach out to people. For example, I think, अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं या स्टाइलिंग की बात करूं या मैं सिनेमेटोग्राफी की भी बात करूं, लाइक यू नो समटाइम्स इट्स जस्ट अ शॉर्ट फिल्म दैट यू सी किसी पोर्टल के ऊपर पड़ी हुई, इंस्टाग्राम के ऊपर किसी की कोई क्लिप आपको मिल जाती है. यू नो राइटिंग वाइज आई डोंट नो, ऑन ट्विटर फॉर एग्जांपल समटाइम्स आई सी पीपल विद अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ यू नो कमांड ऑन द लैंग्वेज एंड हैविंग लाइक यू नो लाइक अ ग्रेट वे टू से समथिंग. सो आई डोंट नो, जस्ट कीपिंग योर प्रेजेंस अलाइव. एंड देन I don't know, in this day and age, it's not very tough to find email addresses for people, right? I mean, I do get a lot of, I'll be honest, I do not reply always because it's not somehow kaam ke beech mein. But I have reached out to people who have, you know, sent their work. Usme main sirf ek hi cheez kehna chahunga ki kabhi bhi apne idea ko khud undervalue na kijiye. Kabhi bhi apna complete script kisi ko bhi, irrespective wo kaun hai. Irrespective of the fact ki wo kitna established filmmaker hai ya production house hai, aap apni complete cheez kabhi nahi bhejenge. Patience chahiye, right? And then mark individuals who you feel ki wo apne kaam ke andar ye sab kuch kar rahe hain. You know, like I don't know, people write to me and send their acting portfolios and their short stories on Instagram inbox also. Mm-hmm. You know, so I don't know, I would be very honest, I think it's still not the right process. I do not want to say कि हमने उसको बहुत streamline कर लिया, but it's unfortunate कि वो streamline नहीं हुआ उस तरह से. But I know for a fact Umaira Ahmed runs an initiative. It is called Alif, if I'm not wrong. उधर she supports a lot of young writers, you know. Then अब I know कि अभी कराची में एक workshop हो रहा था writing के हवाले से. उसमें they just made these open calls and people submitted their ideas and you know then they got them. So it just, I think just, if you're really passionate about it, just keep an eye for whatever opportunities are, you know, lying around and reach out to people and do not fear rejection. I think hum rejection se itna darte hain. Aur main ye nahi keh raha ki rejection bahut achhi baat hai, lekin wohi ki I think shayad zindagi mein bade hone ke process mein aapko momentary rejections milti bhi hain, to aapko unko ke sath sath learn karna padta hai. And if you really believe in something, trust me, aap phir effort bhi utni dalte hain. Aur abhi nahi hoga, if you really like the idea, let it sit, let it sort of, you know, just grow more, and then there can come a point. I mean, both my films, the last two films, unreleased films, dono ke andar jo main unke writers hain, they are new people. But I'll be honest, I chose them from the work that they had done earlier, which was just short films, and this was thesis films from NCA, you know. So both these girls who have written the last two films for me, they I think graduated 3 years ago or 4 years ago. So you know, there are ways. I don't know, I mean, I am one way, and I'm sure there are more people like me. Yeah, no, I'm sure too, because you were super easy to approach, so I'm really happy about that. Okay, so there's a question. Not that easy. Not that easy, but you know, I don't have a good Instagram profile. I think that helped you. I worked in the industry as well, so I was very happy. It's bahar se lagta hai ki it's very intimidating and they don't entertain, but since I come into this industry, I get along very easily, actually. It's not that bad, but sab log aapko sunte hain, if you have something good to talk about. So it's I understand your point ki ha, it's not like a structured thing, but you can still reach out if you want to do something of the sort. Yes. Like that. Yes.
So this is one question. I have a question. Our censorship is so strong these days. Realistic topics fail to make it to the screen because of censorship. Films like Malik, Gurjan, Zindagi Tamasha were banned. Also, we have to watch it either. Watch is either romance or war. What is so hard to choose a realistic topic to get accepted? So I think you have already answered it. Yeah, more or less. Yeah, this is something. The only thing I would want to add is that you see, अभी भी वही मसला है कि film ना चाहते हुए भी is a very expensive medium, right? Not only in terms of the money that is spent on producing that content, but उसको exhibit करने के लिए भी आपको cinema houses चाहिए. Cinema houses के साथ हम खुद देखें कि हमने अपने standards कितने बढ़ा लिए हैं. हमें मतलब उधर lazy boy chairs भी चाहिए और हमें एक certain तरह का air conditioning भी चाहिए और हमें lighting भी अच्छा चाहिए और सफाई भी. You know, like, so it's an expensive medium, to be honest. And अब उसको lucrative बनाने के लिए या उसको financially viable बनाने के लिए I think उसमें पैसा इतना involved है, इसलिए लोग वही बातें risk कम खेलते हैं. Because I clearly knew Zindagi Tamasha is not going to say get the kind of response in terms of money that other films which are more mainstream in nature would. But having said that, चूंकि हमारे पास इतनी फिल्में नहीं आ रही, तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एक्सप्लोर करें कि हम और क्या क्या थीम्स को वो कर सकते हैं. आई थिंक इट इज रादर अनक्रिएटिव ऑन पार्ट ऑफ से द फ्रेटर्निटी टू जस्ट सपोर्ट वन जॉनरा. इट इज नॉट वेरी यू नो इनकरेजिंग. बट ये ट्रेंड आप पूरी दुनिया में देखते हो बाय द वे. वो बहुत ही क्लियर वो डिस्टिंक्शन बना देते हैं. मार्वल की फिल्म जब आती है तो वो उसकी एक और ऑडियंस होती है, उसमें एक और पैसे लगते हैं, राइट? उनकी ऑडियंस हमेशा बड़ी होती है. तो सेंसरशिप के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं. बट सेंसरशिप इज अ बिग प्रॉब्लम. बट वेल आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फिल्म्स. आई नो फॉर अ फैक्ट के I mean, we are taught censored textbooks, we are taught censored ideas, and not just here. I mean, look at China. I mean, the level of censorship they have, you know, matlab jahan pe social platforms ban hue hain, jahan pe matlab koi khul ke express nahi kar sakta. So I do feel ki matlab censorship is a tool of say whatever governing body or whatever government, ya jo bhi aap keh lo, I think it's a big tool, and they're not letting go of that too easy. True. So usme khale hamari job double ho jati hai. I think hame usko battle karne ke liye apne jo hai na, kya kehna chahiye, apne auzar wo aur tez karne padenge, ki like, you know, unko aur refine karna padega. I mean, with Zindagi Tamasha also, I don't know, I think jis cheez ke sath logon ko sabse zyada problem ho rahi thi, trust me, uske alawa the film's running time is 138 minutes. To matlab ab wohi baat hai, chalo agar kahin maine censor walon, censor ne to although clear kar hi diya, but ek censorship wo bhi to hai jo logon ke dimag mein, agar wo bhi usse affect hui, to imagine wo koi 2-3 minute ki cheez se affect hui. Uske alawa 135 minute mein to I managed to say what I had to say in a refined way. Or I think wo baki 3 minute mein bhi bahut refined tha. Khair, so then it's your job to actually, I think, keep polishing your skill to still doing to still do or keep doing what you have to do, but perhaps you know, a little more sophisticated, a little more, you know, symbolic, or I don't know. Yeah, right. So ye thoda tricky sa question hai. So how to strengthen this script after the idea hits your mind? Matlab once you have an idea, you've written it down, but then you're putting it in form of a script. So how do you like make it stronger? Is the question. I think I have. I mean, again, I don't know. I mean, strength is also such a relative word. But what I'm saying is, in order to say arrive at a good script or at a good draft of the script, the first key is patience. And you have to be very patient with it. I think just say ki kehna ki maine isko khatam kar liya, and then not feeling too overconfident about it. You know, ek aapka koi close knit, ek abhi aap bilkul hi aapke kareebi logon ka ek aisa hona chahiye, group of listeners ya readers jinse, kyunki I think it is an art form which will have to be shared with a lot of people, like a bigger audience. So ek sample audience, ek
I don't know, not really say in an informal way, like a focus group, to see how it is heard by people, or to see how it is read by other people. So एक screenwriting की बड़ी बुनियादी सी चीज जो हमेशा पढ़ाई भी जाती है और उस पे इंसिस्ट भी किया जाता है, that script writing is rewriting. So you have to keep rewriting it, you know. और एडिटिंग उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसमें वही कि एक चीज़ पढ़ ली आपको बड़ी अच्छी लग रही है, बट जस्ट अगेन कि आस्किंग योरसेल्फ दोस क्वेश्चंस, व्हाट इज द सीन सेइंग, व्हाट इज द सीन डूइंग फॉर द ओवरऑल स्टोरी, एंड इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग इट, इट्स लाइक अ बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट, ओ ये बात तो मैंने छः जुमलों में की है, ये दो जुमलों में भी हो सकती थी, एंड देन यू स्टार्ट चेकिंग आउट. सो आई थिंक जिस सॉर्ट ऑफ अगेन उसकी उसी तरह की प्रोसेस है जैसे आई डोंट नो केमिस्ट्री के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, राइट, एक डिस्टिलेशन होती है या जो भी आप कह लो. सो यू लेट द रिएक्शन हैपन, एंड देन आफ्टर द रिएक्शन आप उसमें से क्या चीज निकाल रहे हैं, दैट इज फॉर यू टू अगेन बी वेरी पेशेंट विद, कीप एट इट. और ये बात मैं फॉर अ फैक्ट बता सकता हूँ कि मुझे नहीं पता पूरी दुनिया में इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म कभी भी कोई ये कहे कि मेरा पहला ड्राफ्ट मैंने लिखा और वो बहुत आलीशान था और इस पर कोई काम नहीं. नो, अगर आप खासतौर पे आजकल जितना कंटेंट इंटरनेट पे या डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो, उनकी कभी राइटिंग क्रेडिट्स देखो, देयर इज लाइक अ होल बंच ऑफ पीपल, एंड दैट इज ओनली बिकॉज़ आई थिंक दे वांट मोर पीपल टू कंट्रीब्यूट, सो दैट दे ब्रिंग इन देयर पर्सपेक्टिव्स, दे ब्रिंग इन अ माइंडसेट, दे ब्रिंग इन अनदर अप्रोच. सो द आइडिया इज टू नॉट से कि मैंने लिख लिया और बस अब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता और ये आखिरी हर्फ है और इसके अंदर कुछ, नो. The idea is to sort of keep working at it, and उसके बीच में सर ये जरूर है, I do that exercise कि जब आपको एक काम बार बार revision जिस जो require करता हो उसमें breaks लेना बहुत जरूरी है. आपने एक draft लिखा, just let it sit. आपको लग रहा है अभी आपने लोगों के साथ share नहीं करना, मत कीजिए, मगर 10 दिन बाद खुद उसको पढ़िए, आपको खुद ही उसके अंदर से चीजें. So I think just letting that kind of, you know, there's a word for it in science, I don't know what the word is. Serendipity, कि उसमें से खुद you know चीजें फिर फूटना शुरू हो जाती हैं, right? आपको खुद ही उसके अंदर से interesting ideas नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसके flaws नजर आना शुरू हो जाते हैं. So at the end of the day, a good script is which keeps the audiences that have come to watch it in the final form engaged enough, right? So जो script engage कर सकता है, कोई भी genre हो, आप comedy लिख रहे हैं, आप serious लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है हर चीज बहुत से highbrow art हो उस form में, या you know बहुत ही कोई socially लोगों को किसी और तरह से सोचने पे मजबूर करे या whatever. So just patience and rewriting and taking that kind of breather. Right. यहाँ पे एक बार जो मैंने आपको पूछी थी, दिस इज लाइक अ मोर पर्सनल थिंग, सो सम पीपल आर मोर कंफर्टेबल राइटिंग इन इंग्लिश, सम आर मोर कंफर्टेबल राइटिंग इन उर्दू, हाउ मच डिफरेंट दैट, मतलब क्योंकि अगर मैंने कोई फिल्म बनानी है जो पाकिस्तानी जॉनरा की है पर आई राइट इन इंग्लिश, सो डज दैट मैटर सो मच, और डू यू जस्ट नीड टू लाइक कम अप विद एन आइडिया एंड इट डजंट मैटर विद द लैंग्वेजेस, क्योंकि वो बाद में आपने जिस तरह से कहा यू कैन हैव मोर राइटर्स टू फाइंड मोर स्टूडेंट्स, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज व्हेन यू राइटिंग इट. ओके, अगेन आई थिंक ये फिर वही बात है कि अगर तो आपने अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई की हुई है तो आपका एंड प्रोडक्ट मैटर करता है. आप एक ऐसी ऑडियंस को जिनको एक जबान प्रॉपरली नहीं वो बोलते हैं या वो उनसे फेमिलियरिटी कम है, तो उसमें काम करना आपको पता है कि वो एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा. इन दिस डे एंड एज ऑफ कोर्स वी डू बिलीव कि अच्छा नहीं सब टाइटल्स हो जाते हैं और सब हो जाता है, मगर एक सर्टन मार्केट कह लीजिए या टारगेट ऑडियंस कह लीजिए, उनकी जबान बोलचाल वो आपको जहन में रखनी होती है. Now, coming back to or reversing it to a much earlier phase, आप जिस जबान में सोचते हैं आपको उसी जबान में लिखना भी चाहिए, मुझे लगता है. अगर आप अंग्रेजी में सोचते हैं या जब आप कोई जुमला आपके किसी किरदार ने फॉर एग्जाम्पल कुछ कहना है, तो वो जो पहली आवाज़ उस किरदार की आपके दिमाग में जिस जबान में आती है, आप उस जबान में लिख लें, सो दैट उसकी जो ऑनेस्टी है या उसकी जो एक बेसिक एसेंस है वो लूज ना हो. Then I think agar aapko zuban pe utna command nahi hai, that is where you start collaborating. And I think art ki, khas taur pe filmmaking ki, ek bahut hi khoobsurat baat ye hai that you know it gives you a huge room to collaborate with other people. So say you get someone, and that someone could be anyone. It does not need to be like I've done this exercise in the Gitamasha mein, for example. I wasn't very proficient or fluent in Punjabi, right? तो मैंने जो उसका पहला ड्राफ्ट था वो निर्मल रोट इन इंग्लिश,
एंड देन एक डायलॉग उसका उसने कहा नहीं मैं खुद लिखना चाहती हूँ अभी, तो वो उर्दू में लिखा गया. बट देन बाय दैट टाइम आई थिंक आई वाज डन विद माय पंजाबी क्लासेस एंड आई वाज लाइक नाउ आई विल कंट्रीब्यूट टू द डायलॉग एंड आई ट्रांसलेटेड और एडेड. एंड देन देयर केम अ फेज जब कास्टिंग लॉक हो गई थी तो हमने एक्टर्स के साथ बैठ के उन चीज़ों को मजीद रिफाइन किया. किसी एक्टर को जुमला मुंह पे नहीं उसके चढ़ रहा या उसको लग रहा है कि पंजाबी में ऑथेंटिक साउंड नहीं कर रहा. सो आई थिंक देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस वेयर अगेन यू हैव टू बी बिग हार्टेड इनफ टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल एंड नॉट जस्ट फील अननेसेसरीली टेरिटोरियल अबाउट इट, राइट. And I remember there's a friend of mine who's completely not connected to this profession. He's a doctor, a physiotherapist, but he speaks this really interesting Punjabi. Like uska jo vocabulary hai wo bade mazay ka hai. I called him in for a couple of. Maine kaha yaar wo jo ek character hai mujhe lagta hai wo tumhari tarah baatcheet karta hai, you know. So then he would sit through the sessions and he would say nahi ye Punjabi mein ye ऑथेंटिक नहीं लग रहा. सो इट कुड बी एनीवन. लाइक फॉर एग्जांपल आपको अंग्रेजी में कुछ लिखना और आप अंग्रेजी नहीं फ्लुएंट बोल सकते. थिंक ऑफ योर फ्रेंड्स, थिंक ऑफ पीपल. आई मीन प्रोफेशनली जब आप करते हो देन देयर आर यू नो प्रोफेशनल्स हु कैन कोलैबोरेट विद यू. दे कैन बी से डिफरेंट डायलॉग राइटर्स. अब बॉलीवुड में तो बहुत हुआ वहाँ पे चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव फिल्मों के कायल हैं. बड़े बड़े डायलॉग, हिस्टोरिकल साउंडिंग डायलॉग्स, यू नो, जिसमें बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े. तो उधर तो होता था कि कहानी कोई और लिखता था और स्क्रीन पे कोई और लिख रहा है और फिर डायलॉग राइटर कोई और होता था. सो यू नो इवन दैट इज नॉट अ बैड एक्सरसाइज. बट आप जब पहला ड्राफ्ट लिखो या जो आपका ड्राफ्ट हो, पहला दूसरा तीसरा जो भी आप कह लो, आप उस जबान पे स्टिक करो जो जबान आप सोचते हो जिसमें, या जो जबान आप समझते हो कि उसमें आप उस कैरेक्टर को. एंड देन आई थिंक अगर आप आजकल की कोई कहानी सुना रहे हो तो एवरीथिंग इज सो मिक्स्ड अप. नन ऑफ अस स्पीक्स a particular language, absolutely, right? हम सभी अंग्रेजी उर्दू अपनी जो भी एक आध मादरी जबान सबकी होती है वो उसके साथ मिला के ही बोल रहे होते हैं ना. सो यू जस्ट नीड टू बिगिन बी ऑनेस्ट. मुझे वही लगता है कि कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आप कागज के ऊपर उर्दू दान बनने की कोशिश ना करें, आप बहुत अंग्रेजी के मास्टर बनने की कोशिश ना करें, या आप वो बनने की कोशिश ना करें जो आप नहीं हैं. आप अपनी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि आमतौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग की पहली फेज में ये भी होता है ना, जब आप एक कहानी को तोड़ते हैं सीन्स के अंदर, उसके यूनिट्स बनते हैं कि ये सारी बात में, तो उसमें पहली फेज के अंदर कई दफ़ा जैसे मैं डायलॉग नहीं लिखता, मैं उसका एक क्रक्स कि ये बात कर रहे होंगे, यू नो. अब वो बात उस वक्त कोई कीवर्ड उसमें डाल देता हूँ, या फिर अगर आपने सेकंड फेज के अंदर उसके डायलॉग लिखने हैं, मैं अमूमन हाथ से लिखने का कायल हूँ, मुझे नहीं सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर लिखने में, तो मैं फिर हाथ से जब लिखता हूँ मैं रोमन में भी नहीं लिखता. मुझे उर्दू में लिखने में फ्लुएंसी बेहतर लगती है अपनी, यू नो. मुझे रोमन पढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती है और मैं नहीं उसमें, यू नो. एज एन एक्टर ऑल्सो आई स्टिल कैन नॉट मेमोराइज स्क्रिप्ट जो रोमन के अंदर लिखा हुआ हो, मुझे उर्दू में लिखा हुआ, मैं स्क्रिप्ट के ऊपर खुद हाथ से लिख लेता हूँ, यू नो. सो इट्स जस्ट लाइक एवरीबडी हैज टू बी ऑनेस्ट टू देयर ओन प्रोसेस ऑल्सो. सो दिस इज क्वेश्चन, व्हाट इज द वन मिस्टेक मोस्ट फिल्म मेकर्स मेक रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस. थोड़ा सा What question hai वैसे, to be honest, I don't know how to answer this. Do you want to, or should we just change the question? No, I know what he's saying. I don't know. देखिए mistake की पे वो बात है, आप mistake किसको कहते हो? अगर एक बंदा एक flop film deliver कर रहा है और आप उसको mistake कह रहे हो, I don't agree with that. If it is about उस बंदे ने, मेरे लिए mistake सबसे बड़ी ये होती है कि आपका एक formula चल गया, आप उसी formula पे अपनी पूरी ज़िंदगी वही काम करते रहे. That's a mistake. Mistake because you are, excuse me. You are undermining your potential. For me to experiment and fail at it is not a mistake. I think that is very, very important, not for just a filmmaker, for all of us. Of course, risk assessment aapko karni padti hai. Aap soch samajh ke kaam karte hain. Zaruri nahi hai aap apni, matlab apni zindagi ki boli laga dein aur usko daav pe laga dein. Apni whatever asset you are investing in it. But I think the only mistake that I would consider a mistake is when you curb or when you sniff out that potential in you to experiment or to try other things or to say to improve as on a personal level. I mean, it's not ki main sirf har dafa ek cheez jo paisa bana rahi hai wo deliver karta raha hu without thinking ki what is it doing for me, you know. So that's a mistake, but
नो आई मीन अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं उसने गाने इस दफा दो के बजाय चार डाल दिए, उसको चार ही डालने चाहिए थे, या उसने बीच में महविश हयात को रख के मिस्टेक कर ली और उसको बीच में माहिरा को रखना चाहिए था, यू नो दैट्स नॉट अ मिस्टेक रियली. एंड देन आर्ट इज सो ऑल्सो आई थिंक रिस्पॉन्स वाइज इट्स बेस्ड ऑन सच बायसेस एंड ओपिनियंस कि देर आर नो देर इज नॉट I mean, there are multiple ways to look at it. So there is not like a way or two way about it. There's so many ways to look at it. So what could be considered great art or a great film by someone could not be considered anything exactly. by another someone. Yeah, I think that is one thing about art and science. There's no right or wrong in art. So you can't really say ki galti kya hui thi. Is it like, a, I think it's a problem in my mind. तो मतलब आर्ट में आप उसको ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर सकते ना, यू नेवर नो व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. या एंड आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई आई थिंक आई मीन से फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय रियली फेवरेट फिल्म मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इम्तियाज. आई थिंक इम्तियाज डिलीवर्स अ गुड फिल्म एंड देन समटाइम्स ही डिलीवर्स अ फिल्म एंड यू लाइक व्हाट वाज ही इवन थिंकिंग राइट. एंड इट्स लाइक like I mean people really like Rockstar. For me Rockstar is so all over the place. I cannot like mujhe wo cringe karti hai thodi thodi der ke baad, matlab mujhe irritation shuru ho jati hai ki what is he even thinking about his characters at the moment, right? But having said that, if that helps him to get to say another film or if that is what, so uski apni integrity ya wo usko main sirf ek mistake nahi keh sakta. At the end of the day, sure, it's a film which didn't make any sense for me or which did not work for me, but it worked for him, it worked for some people. So again, I think nobody knows that formula ki main ab ek foolproof formula hai aur main har film wo banaunga jo itne x number of logon ko pasand hi aayegi. That never happens. I feel that never happens. So there's this question who asked for inspiration pucha hai that what was the major reason for doing Manto and even when you knew ki uska ek limited audience hoga. So I think, by the way, I will tell you my experience when I went to Manto. I don't know if it would be good or not, but jab hum gaye, so I used to be in university, slums ke bilkul bahar DHA mein ek center tha wahan pe. So I went there with my friends and I was so excited because you know I love watching movies. But during the movie there was a point where ek scene aata hai jahan pe what is the name of that Manto ki kahani, there's a dead body, you know, and wo ek aur bhi ek khol do the dialogue mein aata hai. So that one, I came out of the cinema right after that scene and I couldn't walk ahead. I was literally like main ro bhi rahi thi, but I was like mujhe ajeeb si feeling hui and for like about 20 minutes I didn't go back to the cinema to watch the rest of the film. And it was very, it had a lot of toll on me, the whole movie. The Joker did not rally, it was a toll on me. But I don't know if that was a good thing or not. It was good in the sense that it had a lot of impact. But at the same time, I was like, okay, what have I watched? I don't know what. So I think what was the other thing? Besides, it was way... No, I just say, again, belief or connection ki baat hai. I've always felt a very strong connection, like as a reader, as someone who is inspired by an artist. So I think Manto ka kaam jo hai, wo mere matlab growing up ka bahut bada hissa raha. Wo as an artist, whatever little art I have managed to deliver, usme main jab bhi sochta hu, he has always been my go-to person for you know, like. Inspiration and ideas. So when Manto wala project aaya, I think I know it was a no brainer for me. I had to do it irrespective uski mere liye nahi ye baat thi ki genre kya hai aur kaun dekhega aur kaun nahi dekhega. But I do remember that a lot of conscious effort on part of the producers and the whole team went into making sure ki hum isko thoda sa accessible zarur banaye. हम इसको लोगों के लिए उस तरह से आई मीन फॉर एग्जाम्पल विद कास्टिंग चॉइसेस आई वॉज वेरी श्योर कि नहीं लोग जिन लोगों को देखने के आदि हैं या जिनके साथ वो फेमिलियरिटी रखते हैं उन लोगों के थ्रू अब मंटो की कहानियां हम सुनाते हैं. सो अगेन आई डोंट नो आई मीन व्हाई डज एनीवन चूज टू डू एनीथिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस राइट. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ कोर्स आई थिंक एज अ फिल्म मेकर इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. I couldn't have dreamt of, you know, doing a project which was entirely based on Manto, his life and his works.
we knew very clearly ki isko ek certain audience hi dekhegi, and I was okay with that. And I think that kind of risk assessment was made by the producers, the channel also, because it was not meant to be a film initially. It was meant to be a TV series. That's how we shot it. The film was only a byproduct of that TV series. So, but again, wohi baat hai. कहीं ना कहीं ये भी हमारी इखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक मिजाज का जब काम हो रहा है तो वहाँ अगर किसी काम को आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मंटो का काम एंड नॉट माई फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज लिटरेचर, वो इतना अहम है कि उसके ऊपर बात करना, उससे इंस्पायर होना, उसको दीगर आर्ट फॉर्म्स के अंदर किसी तरह यू नो यूज़ करना, उससे इंस्पिरेशन लेकर उसको री present karna logon ko, that's very important. So there are things that you should not, I think wo jo wohi baat hai na ki koi bhi cheez ko aap ek hi instrument se measure nahi kar sakte. Aapko jab koi kaam analyze karna hai, aapko apna instrument bhi bahut carefully choose karna hai. If the instrument is box office money, sure, Manto shouldn't be made, clearly, right? But having said that, there's so many films jo us instrument ke sath banti hain lekin wo bhi paise nahi banati, to fir the whole theory fails, right? So fir I do feel ki nahi, hamari zimmedari hai ki jo cheeze hame lagta hai based on our assumptions and experiences ki ye topics nahi chalte ya ye genre nahi chalta, then somebody has to rise, and hame logon ka taste bhi diversify karne ki zarurat hai. और हम सिर्फ उस बुनियाद पे एक ही तरह का काम बार बार नहीं कर सकते. तो नो, आई डोंट नो, आई मीन व्हाट मेड मी चूज इट रियली, बट आई थिंक माय लव, माय पैशनेट लव फॉर मंटो, एंड या आई मीन आई वुड हैव डन इट इवन इफ यू नो इट डिडंट मेक एनी सेंस टू एनीबॉडी एल्स. एक इसी बात पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि बोला जाता है कि फिल्म मेकर्स डू नॉट ऑलवेज मेक मनी इन फिल्म मेकिंग. So, like as a career option, a lot of people who want to do it might not do it, you know, unless they're very passionate about it. So, what's your take on that? मतलब yes and no. Yes, मैं इसलिए बोलूँगा कि मैंने एक अगर realistic comparison में ताऊ TV definitely there's more money in TV. So जब मुझे पैसे बनाने होते हैं तो मैं TV करता हूँ. जब मुझे वो पैसे लुटाने होते हैं तो मैं फिल्म करता हूँ. सो फिल्म में अभी भी यस, आई मीन वो उस तरह से उसका फाइनेंशियल मॉडल अभी तक मेरा ख्याल है यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो क्रैक भी नहीं हुआ उस तरह से. बड़ी बड़ी फिल्में जो महंगी फिल्में होती हैं, दे डू नॉट इवन रीच ब्रेक इवन समटाइम्स अपना. तो अभी वो ये, बट हैविंग सेड दैट, अब चीज़ें इतनी आसान भी हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी. The whole digitization of the world has made things cheaper and affordable. So, आपने अगर कोई बात बहुत आपको दिल से कहनी है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए. फिल्म सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं बनती. आप डिजिटल कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं, उसमें आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, आप बनाइए. देर आर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल वे यू विल इवेंचुअली, लाइक आई स्टिल हैवंट क्रैक्ड इट, बट पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक with just saying I think hum sirf aur sirf cinema houses wale revenue ke model ke upar hi rahenge, I think that is not going to stay for too long. Hame eventually dusre distribution models ko bhi explore karna padega. But yes, agar sawal ko ye puch raha hai ki paise bahut zyada bante hain, nahi fil waqt to nahi bante, बट जब आप किसी काम में पैशनेट होते हैं फिर ठीक है, आप वो फुल टाइम नहीं करें. मतलब जिस समय मुझे वही होता है, मैं फिल्म में जब बना रहा होता हूँ, ऑफकोर्स वो वर्षा में कुछ और नहीं कर रहा होता, बट देन फिर मैं कोई टीवी का काम कर लेता हूँ या मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जिसमें से मुझे पैसे मिल जाए. सर यहाँ पे थोड़े से कंट्रोवर्शियल सवाल हैं जो आई एम नॉट थिंकिंग, बट देयर इज वन क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल आई थिंक यू नो कंट्रोवर्शियल, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू ओपिनियंस ऑन डिफरेंट थिंग्स व्हिच इज नॉट रेलेवेंट, सो यू नो आई विल जस्ट कीप दैट आउट. एक सवाल जो यहाँ पे है, किसी ने पूछा था कि व्हाट इज लाइक द इंस्पिरेशन यू हैड फॉर जिंदगी तमाशा, लाइक वाज इट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और डिड यू नो समवन, और इज इट आल्सो समथिंग दैट यू वांटेड टू एड्रेस, यू नो, क्योंकि वो इस तरह का इशू है कि वो एड्रेस नहीं किया जाता. I think I would like to answer this question once, inshallah, when particularly say people who are interested in it have seen it, because I don't know what they're thinking about the film, ki usme ho kya raha hai, right? I don't even know what their understanding of the overall storyline is. For me, I think
आई डू फील गुड अबाउट वन थिंग कि आप आजकल जितने ट्रेलर्स देखते हो उन ट्रेलर्स से पूरी फिल्म की समरी आपको मिल जाती है और आपको पता चल जाता है और फिर जब फिल्म देखते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक से सीइंग अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द ट्रेलर विद जिंदगी तमाशा आई थिंक द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन पीपल हैड आई थिंक इट जस्ट मेड मी बिलीव इन द पावर ऑफ ट्रेलर मेकिंग क्योंकि द फिल्म इज रियली a lot more than that and in so many ways it is not what people are thinking it is so inspiration ki baat bhi maine ki ki bahut si cheeze zaruri nahi hai ki aap unke bare mein itay kare ki nahi mujhe is saal ye baat zarur kehni hai with films it takes years it takes you know like long process so clearly it is not based on a single theme It has a lot of reflections, inspirations from my own life, from my own experiences, but not really. I mean, how many times do we really have to? वो जो मैं connection की बात कर रहा था, connection के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके बीती हो, लेकिन आपने उस चीज के बारे में इतना खुद से उसके साथ attachment बनाई हो. So I think it is again, it's a story about my city it's a story about a surrounding which I am very familiar with it's a story about characters who I have seen or witnessed or interacted with they could be just versions of people that I have met in my life so I think what somebody needs to figure out is that zindagi tamasha hai kya asal mein jab wo dekh lenge to phir main uske baad mein I can do a dissection of it that ek ek individual scene kahan se aa raha hai so I think in a sense like whenever you talk about inspiration to uska jawab yahi hai ki you can like whatever you're passionate about should be your inspiration right something that you want to work on like regardless of the subject or anything that is where inspiration should stem from because that's the most effective form of work I think that is something that I need to tell my students okay so there's this question jo mujhe kuch samajh nahi aaya let me know if you understand it how to tell a story without preconceived judgment I think without the fear of judging you how do you make a story like, I understand a question kyunki kabhi kabhi aap likh rahe ho to aapko lagta hai yaar ye bahut zyada na ho raha hai logon ke liye you know and maybe you just omit that part so, acha are you omitting that are you giving it a pass sorry Like, you know, are we omitting that question? We're not addressing it. No, I'm asking you if you want to address it or not. If it's something that you want. No, I mean, मुझे थोड़ा सा I think कोई उसकी उसका जो structure है वो थोड़ा ambiguous सा है. But what I'm getting out of it is मैं उतना जवाब दे देता हूँ. देखिए एक सबसे पहले judgment जो है judgmental होना तो बहुत ही बुरी बात है. हम सबको ये तो तय कर लेना चाहिए. हम किसी तरह के मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर चढ़ के चीज़ों को जब भी देखेंगे तो हम फेयर नहीं होंगे अगर तो आप कह रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या जजमेंट बनाते हैं दैट इज क्लियरली अगेन इट कम्स फ्रॉम कि अगर आप उस टॉपिक पे या बात जो आप कह रहे हैं जिस अंदाज में कह रहे हैं अगर आप उसमें बिलीफ रखते हैं आप उसके साथ कनेक्शन है आपका देन यू वुड बी यू नो विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ opinion or that criticism also फिर आपने उतना हौसला आ जाता है कहानी सुनाने का बुनियादी मेरा ख्याल जो एक रूल है वो यही है कि यू कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट कैरेक्टर्स वरना तो वही बात है एक नेगेटिव कैरेक्टर या एक बुरा कैरेक्टर आप लिख ही नहीं सकेंगे जब तक एम्पथी नहीं होगी आपकी जब तक आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फिर तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकेंगे जो फिल्म मेकिंग या स्टोरी टेलिंग के अंदर बुनियादी चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट एड करते हो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना ही कहानी सुनाने का एक बेसिक प्रोसेस है तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ही तब जब किसी ना किसी किस्म का क्लैश ऑफ ओपिनियंस आएगा कोई हर्डल आएगा कोई हिंड्रेंस आएगा तो उसमें दैट्स व्हाट आई एम जस्ट गेसिंग द क्वेश्चन इज अबाउट सो नो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है एक स्क्रिप्ट में कि आप जो अपनी मोरालिटी या जो अपना सिर्फ एक लेंस है उसी के थ्रू आप हर कैरेक्टर को देखो दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि यू हैव टू स्पेंड एनफ टाइम विद इट इन ऑर्डर टू इवन अंडरस्टैंड थिंग्स दैट यू परहैप्स डू नॉट बिलीव इन सम टाइम्स यू नो फिर आप उतनी उसके साथ नॉलेज इकट्ठी करें right. So I think काफी काफी time है वो more time ये आखिरी question है ठीक है this is so important to think short films for a person when their intellectual acting would be मतलब जैसे आप हैं आप produce भी करते हैं direct भी करते हैं act भी करते हैं so like first off like how do you balance between all these roles that you're doing
and then second short films wali baat to I think aapne address kar di hai ki you know that's a good way to begin your journey towards filmmaking so you can you know self put it out Shama, I think we have a very bad connection is for because mujhe aapka kuch kuch awaaz samajh aayi and the rest just kind of you know okay I don't know if it's my internet. Sorry. जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं उसका जवाब दे दूं. How important do you think are short films for a person venturing into direction or acting? That one I can read, so I can respond to that. मश्क करना किसी चीज का रियाज करना बहुत जरूरी होता है सो व्हाटएवर फॉर्म और व्हाटएवर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स शॉर्ट फिल्म डेफिनेटली इज अ वेरी गुड फॉर्मेट बिकॉज रिसोर्स वाइज भी द काइंड ऑफ margins or you know the freedom that you have wo bahut zyada hota hai uske andar chota resource aapko lagana hota hai like you can you don't have to really you know go all the way out and feel ki mujhe ye kahin mainstream ke andar kisi jagah pe aise distribute karni hai jiske apne taqaze honge and I think whatever helps you practice it you can I think as an artist aap apne purane kaam ke sath emotional attachment to rakh sakte hain but agar aap fairly usko analyze kare without any personal bias towards it I think aapko apne purane kaam ke sath disconnect bhi karna padta hai aur usme aapko apne flaws bhi nazar aana zaruri hai so that whenever you are doing something following that uske andar koi na koi aapki skill ka aapke technique ka behtri bhi nazar aati hai so short film I think is very important and then आजकल तो वही कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसान है ज़रूरी नहीं है वो पैसे बनाए आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकिन इट्स अ ग्रेट इंट्रोडक्शन यू नो टू पीपल टू योर फ्रेंड्स टू एक्चुअली हैविंग लाइक अ प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस फॉर योर वर्क So this was the other question I was talking about. How do you prioritize between acting, writing? Right. It has changed over the years. Earlier, I don't know, I acted more. Phir maine direction zyada karni shuru kar di. But now I know ke agar mujhe theater karna hai, to theater mein mujhe acting karni hai. I know ke theater ki direction mujhe utna maza nahi aata ya mujhe utna usme theater pe main act karna chahta hu. Jab main टेलीविजन भी अब करता हूँ टेलीविजन के अंदर इतनी लंबी कहानी मतलब इतने किस्तों के ऊपर वो होती है उसमें भी आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन टेलिंग लाइक दैट लॉन्ग स्टोरी सो आई डोंट माइंड एक्टिंग ऑन टीवी यू नो और मे बी आई एम जस्ट बीइंग लेजी अबाउट इट राइट बट जो फिल्म है फिल्म मुझे अभी भी लगता है कि नहीं फिल्म मुझे लिखना भी डायरेक्ट करना भी दैट इज वॉट यू नो एक्साइट्स मी मोर एंड सो इट डिपेंड्स आई थिंक इट्स ऑल्सो अगेन दो तीन फैक्टर्स होते हैं पहला फैक्टर वही है मूड के ऊपर कि मतलब इन दैट फेज ऑफ क्रिएटिंग समथिंग व्हाट्स माय मूड लाइक इफ आई हैव अ स्टोरी दैट आई नो कैन बी टोल्ड विद मी एक्टिवली एक्टिंग इन इट आई वुड परहैप्स डू इट बट एज अ रूल नाउ आई हेट डायरेक्टिंग माई सेल्फ सो वो मंटो की एक्सरसाइज आखिरी एक्सरसाइज थी जिसमें मैं खुद को डायरेक्ट कर रहा था I don't want to direct myself. It becomes too tough. I think us waqt mere paas itna phir bhi I think I could segregate my mind like that. Now I can't. It's just too much work. So I don't mind acting for people, but acting in my own project is not a great idea anymore. Theater, jaise maine bhi bataya, theater is a great medium for me as an actor. I love acting on stage. But film mein abhi koi baat hai I don't know I mean I unless there is a story that really you know makes sense to me as an actor I would like to identify myself primarily as a filmmaker or a director and then shaukiya adakar so yahan pe ek aakhri question I think I'll take uske baad we're done so yeah this is about women and this is something that resonates very strongly with me too I'm thought pe you don't expect
लड़कियों को ना अच्छा नहीं समझा जाता देयर इन मूवी. आई वाज बाय द वे मेरी इंस्ट्रक्टर थी सानिया मुमताज, शी इज अ ग्रेट ग्रेट एक्ट्रेस और उनसे मैंने एक्टिंग क्लासेस ली हुई है. और उस तब भी कुछ यही था कि मतलब यू वुड सी मोर गाइज इन लाइक इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग rather than girls, because it to you know cultural norm is tarah ka hai. What do you think is another factor why there are not a lot of women in filmmaking? अच्छा एक तो देखिए उसके बारे में मैं ट्रेंड सिर्फ कोई बताऊं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इस तरह का है एंड आई डोंट नो, दैट्स फॉर ऑल ऑफ अस टू फिगर आउट कि व्हाट डिड वी डू, आई मीन व्हाट्स दैट रॉन्ग एलिमेंट देयर जिसने ये एक ट्रेंड कह लीजिए या एक ओवरऑल पैटर्न क्रिएट कर दिया. देयर आर फ्यूअर आई मीन और एटलीस्ट उनको आप उस तरह से फोर फ्रंट पे नहीं लेकर आते. हॉलीवुड में हर साल ये एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है राइट ऑस्कर्स के सीजन में भी कि इट्स यूजुअली जस्ट मैन फिल्म मेकर्स हु आर यू नो एट द फ्रंट लाइन और या जो भी उनको ज़्यादा लाइम लाइट दिया जाता है. इन दिस डे एंड एज आई डोंट थिंक अगर कोई सिर्फ इस नोशन के लिए कि अच्छा ही शायद काम मौजू नहीं है, नहीं, आई थिंक वी हैव इनफ फीमेल हीरोज नाउ, वी हैव इनफ वीमेन हु आर इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल इनफ to prove that no, this is not a profession where gender comes into play. This is not a job which requires your gender to be a deciding factor like that. No. मैं अगर अपनी बात करूँ, I think key role के अंदर most of the time when I'm working, my sister is there. She's sort of, you know, heading the bigger job, like production angle जो होता है उसका, which is much more tough and it is more demanding. बहुत ही अगर मैं अपने टेक्निकल क्रू की बात करूँ, आई थिंक फॉर द लास्ट टू प्रोजेक्ट्स इट्स ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ एंड नॉट कि मैं कुछ चॉइस करता हूँ, बट यू नो आई जस्ट कम अक्रॉस सो मेनी टैलेंटेड गर्ल्स वुमेन ऑल्सो एंड दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स. सो वो लेकिन एक होता ना एक बिलावजह का ट्रेंड बन जाता है. आई थिंक हमने इतने अरसे तक खासतौर पर यहाँ पे तो इसके साथ वही वो जो मोरालिटी वाला या हमारी जजमेंट क्या है ये ठीक नहीं है ये खराब है ये किस तरह के शरीफ नॉन शरीफ लोगों का काम है उस तरह के सवालों में इतना उलझाए रखा. आई थिंक कितने 15-20 साल भी नहीं हुए अभी इसको यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट किया एज अ डिसिप्लिन और पढ़ाना शुरू किया गया है. मतलब उससे पहले तो हम मतलब इसको इवन उतनी अहमियत ही नहीं देते थे या उतनी इज्जत ही नहीं देते थे. तो आई थिंक ग्रेजुअली द ट्रेंड्स वुड चेंज. I really wish, I think के और बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ मतलब सभी को आना चाहिए इस तरफ. The younger lot really needs to come and steer it in the right direction, you know. And having said that, not just acting or direction, I think there's so much to do in a film or in a TV drama or on that crew. There's so many jobs, and keeping that balance of energies right, I think it's very, very important to have both men and women work together. I think that brings in a very beautiful balance, you know. But for example, we aap itne diverse mindsets aur IQs ke sath kaam kar rahe hote ho ki usme kisi bhi ek sabse pehla mera matlab I am quite a disciplinarian like that, you know. I like a sense of decorum and a sense of order and a sense of, you know, organization about it, right? I think that has only been possible because of having women around, you know. Because everybody then kind of, you know, वो जो भी आप एक societal हमारा setup कह लो या कुछ उसमें मतलब उसमें एक automatic एक order और तमीज आना शुरू हो जाती है, you know. So again, इतने weird insane hours के हमारे मतलब schedules होते हैं उनके अंदर में भी वही I think just that to retain that sanity, it is very very important to also feel or to make sure that it's a healthy environment. In any healthy environment requires people to somehow, I mean, leave all their prejudices based on gender or other factors, you know, aside. Okay, sir, thank you so much. I've taken a lot of your time, but I'm really happy. I think my students are happy. The baki sare comments are more or less the same. Thank you so much, sir, for joining us today, and hopefully some of my students will come up as filmmakers one day, I hope. Thank you. All the best to you and your school. Thank you so much. For that best. All the best for you for your movie as well. We'll be waiting for it. Thank you. Thank you.